हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजकुमार चौधरी जी। राजकुमार जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज हम ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे समाज को? आज का दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज संविधान के रचयिता बाबा साहब, भारत रत्न, मैं तो कहूँगा विश्व रत्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ मौजूद रहे। और बाबा साहब को ये कहना कि वो दलितों के मसीहा थे, ये कहना एक गलत तथ्य होगा। मैं ये कहूँगा कि नारी के मुक्तिदाता, दलितों के मुक्तिदाता, शोषितों के, पीड़ितों के, और जो डाउन टू अर्थ थे, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब बहुत गरीब था, और ऐसे समय में हमारे देश को आज़ादी मिली जब हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक और पूंजी को लेकर बहुत बड़ी विडंबना मौजूद थी। देश तरह तरह की विचारधाराओं में बटा हुआ था। भारत के संविधान ने हमें एक गुलदस्ते की तरह पूरे देश को मजबूती के साथ बांधा। आज जो हमारा देश यहाँ तक तरक्की करके पहुँचा है, उसमें से मैं भी एक हूँ कि आपके सामने एक वकील की हैसियत से खड़ा हूँ, जो बाबा साहब की देन है, और वो सिंबल ऑफ नॉलेज थे। और यहाँ तक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनके एडमिशन के दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर घोषित किया, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने माना कि हमारे अब तक के छात्रों में सबसे नंबर वन के ज्ञाता थे, और उनकी बदौलत आज जो नारियां हैं, जिन्हें हम महिलाएं कहते हैं, इस देश में प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, जज और छोटे से लेकर बड़े बड़े अहदे तक पहुँची हैं। क्योंकि पुरानी कुरीति के अनुसार तो नारी को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, और अभी भी इस देश की विडंबना है कि देश की 49% महिलाएँ आज भी बाबा साहब की विचारधारा से दूर हैं। वो उनको नहीं मानती हैं, वो धार्मिक आडंबरों में घुसी हुई हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि उनके अधिकार, उनके विचार, उनको बदलने वाले एक ही शख्सियत थे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं उनको सत नमन करता हूँ, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महाकार्यक्रम को कवरेज करने के लिए समय निकाला। आपका धन्यवाद, आपकी टीम का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। हम भी आपके विचारों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करते हैं। कैमरामैन धीरज के साथ VP शर्मा, INS News। थैंक यू।